हाय सुमित सर, वेलकम टू द शो। कैसे हो आप सर? हाय जिग्नेश जी, फर्स्ट क्लास, एकदम बढ़िया। सब बढ़िया चल रहा है, आप बताइए। सर क्या लग रहा है मार्केट सर अभी? देखिए, मार्केट्स में पिछले 3 से 4 पॉडकास्ट आपको दिए हैं और उन सब में हमने मोस्टली टाइम बाय का व्यू दिया और मार्केट तब से वन वे अपसाइड मूव दिखा रहा है। और निफ्टी, बैंक निफ्टी का अगर आप बात करो तो आप उन लेवल से देखिए, निफ्टी 10,600 के लेवल तक आ चुका है। अब ये थोड़े से डाइसी लेवल्स आ चुके हैं। अगर यहाँ पर कोई भी नेगेटिव न्यूज आई तब तो सडन फॉल हमको निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा, और नेगेटिव न्यूज नहीं आई है तो फिर ये रैली कंटिन्यू करेगी। तो मैं लेवल्स देता हूँ नेक्स्ट वीक के लिए, क्योंकि आज हम ये पॉडकास्ट इस बार वीकेंड पे ले रहे हैं, तो मुझे पता नहीं कि वीकेंड पे क्या माहौल बनता है, किधर भी जियोपॉलिटिकल या इंडिया चाइना का या किसी भी चीज से रिलेटेड। इसके लिए मंडे को जब मार्केट खुलता है तो हमको देखना होगा कि ग्लोबल मार्केट और एसजीएक्स निफ्टी किस तरह से रिएक्ट करता है। सपोर्ट है निफ्टी का नीचे में 10,500, अगर उसके नीचे जाता है तो निफ्टी में गिरावट हमको बढ़ते हुए देखने को मिलेगी और फिर 10,200 से लेके 10,000 के लेवल देखने को मिलेंगे। दूसरा, ऊपर की तरफ निफ्टी में रेजिस्टेंस है 10,650 का। ये लेवल अगर टूटता है और उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो हमें 10,800 से 11,000 तक के लेवल निफ्टी में देखने को मिलेंगे। तो लोगों को, व्यूअर्स को और फॉलोअर्स को सबको यही सलाह है, 10,650 टूटने के बाद फ्रेश बाइंग करें 10,800 से 11,000 के टारगेट के लिए। 10,500 का लेवल नीचे में टूट जाता है तो सेलिंग करें 10,300 और 10,000 के टारगेट के लिए। सर बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है? सर बैंक निफ्टी ने आज का ट्रेड अगर आप देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का, तो निफ्टी ने 0.5% का पॉजिटिव अपसाइड मूव दिखा के क्लोजिंग दिया है और बैंक निफ्टी ने 0.5% का डाउनसाइड मूव दिखा के क्लोजिंग दिया है। यानी दोनों ने एकदम उल्टी चाल चली है, एक ऊपर और एक नीचे। बैंक निफ्टी ने नेगेटिव क्लोज दिया है। बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है चार्ट के ऊपर टेक्निकली वो ऊपर में है 22,300 22,500 का। यानी कि सबको ये ध्यान में रखना है कि जब तक 22,300 22,500 के लेवल ऊपर में नहीं टूटते तब तक लॉन्ग पोजीशंस के लिए एक बार वेट एंड वॉच करें। ये लेवल्स ऊपर में टूट जाएंगे उसके बाद इसमें ब्रेकआउट है, उसके बाद ये बड़ा अप मूव दिखा सकता है। एट द सेम टाइम जब तक ऊपर में लेवल्स नहीं टूटते आप इसमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन नीचे में सपोर्ट टूटना जरूरी है। जो बैंक निफ्टी का नीचे में सपोर्ट है वो करीब करीब 21,300 21,200 के आसपास का है। ये लेवल्स अगर एक बार टूट जाएंगे बैंक निफ्टी में और इसके नीचे क्लोजिंग देखने को मिलेगा तो फिर बैंक निफ्टी में हमें एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है, जिसमें हमें 20,000 या 19,500 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो मैंने जो रेजिस्टेंस लेवल कहा है 22,300 22,500, ये ऊपर की तरफ हो गया, नीचे में 21,300 के आसपास नीचे में सपोर्ट हो गया। जैसे मैंने निफ्टी में रेंज दी है बैंक निफ्टी में भी रेंज दी है, इधर साइड ब्रेकआउट हमें तेजी या मंदी का व्यू लेके काम करना है। सर लास्ट क्वेश्चन, एनी सेक्टर्स या स्टॉक जो आपको लग रहा है? देखिए, मुझे फार्मा सेक्टर बढ़िया लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि फार्मा सेक्टर के अंदर तेजी का व्यू लेके काम करें, चाहे फिर वो कैडिला हो, सन फार्मा हो, बायोकॉन हो, सिंजिन हो, कैश वाला स्टॉक। तो इन स्टॉक्स में मेरे को ऐसा लगता है कि एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और आने वाले दिनों में और भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। फार्मा के साथ टेलीकॉम सेक्टर मेरे को अच्छा लग रहा है। भारतीय एयरटेल काउंटर के अंदर लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है, स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है, एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। भारतीय एयरटेल के बाद आईडिया काउंटर लोअर लेवल्स पे अवेलेबल है, इस स्टॉक के अंदर भी तेजी का व्यू लेके काम किया जा सकता है। 12 से 13 रुपए का ऊपर में रेजिस्टेंस है, ये लेवल जब भी टूटेगा उसके बाद एक बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। आज एक शॉकिंग चीज मेरे को देखने को मिली है, डिफेंस सेक्टर में तेजी देखने को मिली है। भारत फोर्ज, भारत डायनेमिक्स, उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बीईएल, बीईएमएल, मोस्ट ऑफ द डिफेंस या कैपिटल गुड्स से रिलेटेड स्टॉक्स में आज तेजी देखने को मिली है। तो वीकेंड में जब ये होता है वो थोड़ा सा डाइसी और थोड़ा सा रिस्की सीन है, तो अगर ये डिफेंस स्टॉक में मूव आया है और अगर ये कंटिन्यू होता है नेक्स्ट वीक भी, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ ना कुछ टेंशन एस्केलेट हो सकते हैं किसी ना किसी कंट्री के बीच में, जिसका ये मूव हमको डिफेंस स्टॉक में देखने को मिला है। तो इन डिफेंस स्टॉक्स पे नजर रखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनेमिक्स, भारत फोर्ज, बीएल, बीएमएल, इन स्टॉक्स में एक तेजी का मूव देखने को मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी में सपोर्ट बताए हैं, अगर वो टूटते हैं तो मंदी देखने को मिलेगी, तो मंदी में जो सेक्टर या स्टॉक रिएक्ट करेंगे वो है मेटल स्टॉक, जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल स्टील अथॉरिटी, ये वीकनेस दिखा सकते हैं। बैंकिंग, फाइनेंस, एनबीएफसी, इनके अंदर दबाव और वीकनेस देखने को मिल सकता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे ही टूटे तो आप वीकनेस वाले सेक्टर में काम कीजिए, अगर सपोर्ट टूटते हैं तो, और रेजिस्टेंस अगर टूटता है तो जो मैंने तेजी वाले सेक्टर बताए उसमें काम कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू वेरी मच, बाय।